ये हैंड पंप से क्यों नहा रहे हैं? यहाँ हैंड पंप नहाने का कारण यही है कि यहाँ नाला, बरसात में नाला में नहाते हैं और तालाब भी सूख गया है, तालाब भी बहुत दूर है, पूरा सूख गया है। तो यहाँ इस पारे के 50 परिवार हैंड पंप से नहाते हैं, वहीं का पानी ले जाते हैं पीने के लिए, पशु का पीने के लिए भी हैंड पंप से ले जाते हैं और नहलाने के लिए भी हैंड पंप से पानी ले जाते हैं। सरकार के पास लाखों करोड़ों रुपए हर योजना के लिए रकम होती है, लेकिन आदिवासी अंचल के महिलाएं तमाम समस्याओं से जूझते हुए इन गर्मियों का सामना करते हैं और गर्मी के समय में सभी परिवार के लिए अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होती है, चाहे वो नहाने के लिए हो या पीने की पानी के लिए हो। लेकिन वहाँ पे लोग इतने कम पानी से नहाते हैं और पीने के पानी के लिए भी आपस में झगड़ा हो जाते हैं। सरकार से आपने मांग किया था? मांग किया था, मैं पूर्व में सरपंच थी 2005 से 9 तक, तो नल जल योजना तो दे दिए, आधा गली में पाइप बिछाया और पाइप भी ठीक से नहीं बिछा पाए और बोर भी खनाए सामने में पारा में, तो बोर भी सक्सेस नहीं हुआ। तो बोर का जब चालू किए बोर को तो टंकी में पानी भी नहीं गया, दिन भरे चालू किए पर भी एक बूंद टंकी में पानी नहीं पहुंचा। फिर दोबारा हम पीएचसी ऑफिस जाकर देवांगन से पूछे तो ठीक है हम पाइप को खुलवा कर सुधार देंगे ऐसे बोले, और सामने कुछ चुनाव था तो चुनाव के पहले 2-4 अधिकारी या कर्मचारी आकर देखे और बोले कि ठीक है सरपंच हम लोग यहाँ का समस्या हल कर देंगे करके बोले, और आज तक वो आदमी आए भी नहीं, ना कर्मचारी आए ना अधिकारी आए। मैं चाहती हूँ कि राजनांदगांव कार्यपालन अभियंता ई साहब राजेश गुप्ता का नंबर है 09009532201, इस नंबर पर कॉल करें और दबाव बनाएं जिससे पानी की समस्या दूर हो सके। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ट के लिए।